जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप। पाकिस्तानी झंडे के रंग में मिला गुब्बारा, ये पाक की नापाक साजिश तो नहीं? जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे के रंग में एयरक्राफ्ट के आकार का गुब्बारा मिलने से लोग दहशत में हैं। सांबा जिले के गगवाल में मिले इस गुब्बारे पर BHN लिखा हुआ है। गुब्बारा एक पेट्रोल पंप पर मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर अपने साथ ले गई है। फिलहाल पुलिस ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये घटना जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के गगवाल इलाके की है। यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों ने एक गुब्बारे नुमा चीज पेट्रोल पंप परिसर में पड़ी देखी। जब उसे करीब से जाकर देखा गया तो वो एक फ्लाइट नुमा गुब्बारा निकला। पाकिस्तानी झंडे के रंग में गुब्बारा मिलने से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में दहशत फैल गई। पेट्रोल पंप के सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत गुब्बारे की जांच कर पुलिस थाना गगवाल को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मी गुब्बारे को अपने साथ थाने ले गए। हम यहाँ पे खड़े थे सभी, एक वहाँ से गुब्बारा आया उड़ता यहाँ पे गिरा। हमने सोचा पता नहीं क्या है ये, इधर आया तो हमने उस पर जब देखा तो उस पर पाकिस्तान का फ्लैग का वो निशान होता है वो बना हुआ था। हमने जब देखा उसको तो वो उस पर था कुछ नहीं, बस ऐसे ही था, एक गुब्बारा ही था। फिर हमने सोचा पता नहीं कि क्या है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने देखा वगैरह, वो गुब्बारा वगैरह ले गए। अभी आगे पता नहीं क्या करते हैं, था तो कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल ही था। आगे नहीं पता हमको क्या कुछ है। लिखा था उस पर, लिखा था उर्दू में लिखा हुआ था, हमको कुछ समझ नहीं आया, उर्दू हमें आती नहीं है, तो बस यही था कि उसमें फ्लैग बना हुआ था पाकिस्तान। सर इधर से आया उड़ता और इधर गिर गया, तो हमने बस उठा के यहाँ से ले आए। फिर कितने बजे के बाद आते सर? करीब हमने कोई 10 बजे, कोई 10:05, 10:10 की बात है। अच्छा, पैनिक होने की, नॉर्मल फ्लैग था, अभी पता नहीं क्या था कि उसमें क्या कोई पुलिस वाले हो सकता है, वो पुलिस वाले पता कर लेंगे। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये गुब्बारा यहाँ कैसे पहुँचा और इसे यहाँ लाने में किन किन लोगों का हाथ है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर जो गुब्बारा मिला है वो दिखने में बिल्कुल एक फ्लाइट की तरह है। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में BHN और Emirates लिखा है। गुब्बारे के पिछले हिस्से में पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, वहीं एक जगह पर उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और जहां गुब्बारा मिला है वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये पाकिस्तान की कोई चाल तो नहीं। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल ये गुब्बारे मिल रहे हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी। पिछले साल मार्च महीने में 4 बार ऐसे गुब्बारे देखे गए थे। जुलाई के महीने में भी मेंढर उप जिले की मानकोट तहसील में पाकिस्तानी एयरफोर्स मॉडल का एक गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया था। उस वक्त मानकोट तहसील के नियंत्रण रेखा के करीब गांव बलनोई में रहने वाले मोहम्मद शरीफ ने अपने खेतों में पाकिस्तानी एयरफोर्स मॉडल का नीले और सफेद रंग का गुब्बारा देखा था। गुब्बारे के ऊपर PIA लिखा हुआ था। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची थी और फिर PIA लिखा गुब्बारा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब एक बार फिर सांबा जिले में इस तरह का गुब्बारा मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।